नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कोड शेप के कॉन्टेस्ट स्टार्टर्स 86 की प्रॉब्लम। तो शुरू करते हैं पहली प्रॉब्लम से। इसका नाम है क्रिकेट मैच। तो ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि देयर इज अ क्रिकेट मैच इन शेफलैंड, शेफ्स टीम रिक्वायर एन रन्स टू विन इन एम ओवर्स, एंड गिवन दैट वन ओवर कंसिस्ट ऑफ सिक्स बॉल्स एंड अ प्लेयर कैन स्कोर अ मैक्सिमम ऑफ सिक्स रन इन अ बॉल, फाइंड वेदर शेफ्स टीम कैन विन। तो देखिए, मैच चल रहा है, एम ओवर्स की मैच है, ओके और सारे रूल्स नॉर्मल मैचेस की तरह ही है कि एक ओवर में 6 बॉल होंगी और एक बॉल में आप मैक्सिमम एक छक्का ही मार सकते हो, तो मतलब कि आप मैक्सिमम 6 रन स्कोर कर सकते हो। तो इनको क्या है, टोटल एन रनों की जरूरत है एम ओवर्स में। तो हमको बताना है क्या कि शेफ की टीम मैच जीत सकती है या नहीं, ओके। तो अब देखिए, अगर शेफ की टीम को मैच जीतना है तो शेफ की टीम ज्यादा से ज्यादा कितने रन मार सकती है। एम ओवर्स है, एक ओवर में 6 बॉल, तो अगर वो हर बॉल पे छक्का मारते हैं और हर ओवर की हर बॉल पे छक्का मारते तभी वो जीत सकती है ना। तो ये जो एन रन्स जो हमारे होंगे वो लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए हर बॉल पे छक्का मारने से जितने रन बन रहे हैं उतने के, समझ रहे हैं आप। तो यही लॉजिक है इस प्रॉब्लम के पीछे कि जो एन है वो लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए एम ओवर्स मल्टीप्लाइड बाय ईच बॉल हिटिंग 6 ऑन ईच बॉल, ओके। एंड इफ दैट इज ट्रू देन वी विल रिटर्न यस, ओके। हम लोग को क्या करना है, यस और नो प्रिंट करना है, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसको कोड कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक टेस्ट केस टी इनपुट ले लिया मैंने, वाई टी माइनस माइनस, क्या करेंगे सबसे पहले एन और एम, ये दोनों हमको इनपुट लेना है। तो ये मैंने इनपुट ले लिया एन और एम। कंडीशन क्या थी कि इफ ये जो मेरा एन है, क्या कहा मैंने, एन होना चाहिए लेस देन और इक्वल्स टू जो मेरे एम ओवर्स है उसमें जो 6 बॉल्स है उसमें हर बॉल पे 6 रन में मार रहा हूं। तो एन जो है लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए इसके। अगर ऐसा है तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा यस, और एल्स मैं प्रिंट करवा दूंगा नो, ठीक। इसको रन करते हैं, यस नो यस नो यस, तो यस नो यस यस यहां पे भी मिल रहा है, सबमिट कर देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। तो करेक्ट आंसर मतलब हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम का नाम क्या है, शेफ एंड बैटरी। तो प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि शेफ की फोन में अभी 10% की बैटरी है, ओके और हर मिनट में क्या होता है कि अगर जो फोन है ये चार्ज हो रहा है तो बैटरी का लेवल इंक्रीज होता है बाय 2%, और अगर चार्ज नहीं हो रहा तो बैटरी का लेवल डिक्रीज होता है बाय 3%। क्या बोल रहे हैं कि हमको मतलब एक फोन दिया हुआ है शेफ का, शुरू में इसमें 10% चार्जिंग है और हर मिनट में या तो चार्जिंग 2% इंक्रीज होगी या 3% डिक्रीज होगी। अब हमको क्या करना है कि हमको फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच शेफ कैन मेक द बैटरी लेवल रीच एग्जैक्टली 50%। तो ये एन जहां कहीं भी हो सकता है 50 से ज्यादा हो सकता है 50 से कम हो या हो सकता है 50 ही हो, तो हमको क्या करना है, मिनिमम टाइम फाइंड करना है इन विच शेफ कैन मेक द बैटरी लेवल रीच एग्जैक्टली 50%। हमको 50% तक लेकर आना है अपना बैटरी लेवल, ओके। ये हमारी प्रॉब्लम है, और क्या हो सकता है, या तो 2% इंक्रीज या तो 3% डिक्रीज। तो इसमें हम लोग को वही कुछ मैथ लगानी होगी और लेकर आना है, ओके। तो यहां पर एक काम करता हूं मैं, तो क्या हो सकता है, देखिए दो केसेस हो सकते हैं। जो हमको n की वैल्यू दी है, जो n की वैल्यू दी है वो क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 50 हो, n ग्रेटर देन 50, या फिर n लेस देन 50, राइट। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अब देखिए, मैं पहले n ग्रेटर देन 50 को कवर करता हूं। तो जब n ग्रेटर देन 50 है तो सीधी सी बात है, अगर मुझे इसको 50 तक लेके आना है तो मुझे इसको घटाना पड़ेगा। तो अगर आप इस यहां पर देखेंगे तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, अगर हम बढ़ा रहे तो हम दो ही बढ़ा सकते हैं और घटा रहे तो तीन ही घटा सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर मान के चलिए मुझे इंक्रीज करना है, तो अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मैं दो ही इंक्रीज कर सकता हूं, राइट। और अगर मुझे डिक्रीज करना है तो मैं तीन डिक्रीज करूंगा एक ऑपरेशन में, ठीक है। एक ऑपरेशन में मैं या तो दो इंक्रीज कर सकता हूं या तीन डिक्रीज कर सकता हूं। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूं,
मैं अगर ये दोनों ही ऑपरेशन साथ में करूं, ठीक है, ये तो मेरा एक ऑपरेशन में हो रहा था, ये एक ऑपरेशन में, अगर मैं दोनों ही ऑपरेशन साथ में करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, 1 डिक्रीज कर सकता हूं, राइट। अगर मैं 2 इंक्रीज करूं और 3 डिक्रीज करूं तो ओवरऑल मेरा क्या होगा, 2 माइनस 3 होगा, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा मेरा, -1। तो असल में मैं क्या कर रहा हूँ, 1 डिक्रीज कर रहा हूँ, ओके। लेकिन इसके लिए मुझे ऑपरेशन, या कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, क्यों, क्योंकि मैं दोनों काम कर रहा हूँ, है ना। तो ये एक बस ऐसी मैंने यहां पर ले लिया, ओके। तो वापस यहां पर आते हैं, जब मेरा एन 50 से ज्यादा हो तो मुझे एन कहां तक लेकर आना है, 50 तक लेकर आना है। तो मैं क्या करूंगा, एन को मैं माइनस करते जाऊंगा, -3, एन इक्वल्स टू एन माइनस थ्री। मैं क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 50 तक लाना है और मैं 3 ही घटा सकता हूं एक बार में, है ना। तो मैं एन को एन में से 3 घटाते जाऊंगा, कब तक, जब तक कि वो ग्रेटर देन 50 है, ओके। जब तक मेरा एन ग्रेटर देन 50 है तब तक मैं उसमें से क्या करूंगा, 3 घटाऊंगा। और फिर मान लीजिए क्या होगा, या तो वो इक्वल हो जाएगा 50 के, अगर मैं इसे घटा रहा हूं लगातार, तो या तो वो 50 के इक्वल हो जाएगा, या फिर क्या होगा कि वो 50 से कम हो जाए, जैसे 48 हो जाए या 49 हो जाए, ठीक है। तो अगर ये 48 या 49 होता है तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो अगर 50 मेरा एन से फिर छोटा चले जाता है, सॉरी, एन मेरा 50 से अगर छोटा चले जाता है तो फिर मुझे एन बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तब ये इस केस में आ जाएगा, राइट, ये ऑटोमेटिकली इस केस में आ जाएगा। तब इसके लिए हम लोग अलग से ऑपरेशन करेंगे। तो पहले तो आपको आई होप ये चीज समझ आई होगी कि मैंने यहाँ क्या किया, है ना। तो मुझे जब तक कि एन 50 से बड़ा है मैं उसको घटाऊंगा, मतलब उसमें से 3 घटाता जाऊंगा, ओके। और जो मेरा क्या कर देता हूँ, आंसर लिख देता हूँ, आंसर ++। जितनी बार मैं 3 घटा रहा हूं मैं आंसर इंक्रीमेंट करूंगा, राइट, क्योंकि हर मिनट में 3 डिक्रीज होता है, 3 ही डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज बाय 3%, हाँ 3 डिक्रीज होता है। तो ये अब मान लीजिए कि एन जो है मेरा 50 से छोटा है, तो सीधी सी बात है, अगर मेरा एन 50 से छोटा है तो मुझे एन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं एन को एक बार में कितना बढ़ा सकता हूं, एक बार में मैं 2 ही बढ़ा सकता हूं, है ना। तो एन को अब मैं प्लस करते जा रहा हूं, एन प्लस ओ एन प्लस इक्वल 2, एन को मैं 2 बढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है। तो एन को मैं 2 कब तक बढ़ाऊंगा, जब तक या तो वो 50 के इक्वल हो जाए या 50 से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो अब आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि या तो अगर मैं ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूं तो एन की वैल्यू या तो 50 तक जाएगी या ज्यादा से ज्यादा 51 तक जाएगी, राइट, उसके बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं 2 बढ़ा रहा हूं। अगर मुझे 50 डायरेक्टली मिलता है तो मैं तो वहीं रुक जाऊंगा, मेरा आंसर मुझे मिल गया। अगर 50 नहीं मिलता तो 51 मिलेगा। तो अगर 51 मिलता है तब मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 लाने के लिए 1 डिक्रीज करना है, तब मैं क्या करूंगा, ये वाला ऑपरेशन यूज कर लूंगा, ठीक है। तो उसमें मुझे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, तो 2 ऑपरेशन उसके लग जाएंगे। तो ये एन प्लस इक्वल टू मुझे तब तक करना है जब तक 50 के इक्वल या उससे बड़ा ना हो जाए, और जब वो 51 हो जाएगा तब मैं एक एक्स्ट्रा एन प्लस टू कर दूंगा, ठीक है, सॉरी एन प्लस टू नहीं, अपना आंसर प्लस टू कर दूंगा, आंसर +2, और फिर इसको मैं रिटर्न कर दूंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये पूरा लॉजिक था, आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे कैसे किया। अब इस लॉजिक को हम लोग कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एंटिटी सी टी वाइल टी माइनस माइनस, बस एक ही इनपुट लेना था हमको, एन, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ओके। मैं क्या करता हूं कि एक इंटीजर आंसर बना लेता हूं, इसको 0 से इनिशियलाइज किया, ठीक है। अब व्हाइल व्हाइल एन इज ग्रेटर देन 50, जब तक मेरा एन 50 से बड़ा है तब तक मुझे क्या करना था कि मैं एन में से घटाते जाऊंगा, एन माइनस इक्वल 3 और आंसर ++, राइट। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर एन 50 से बड़ा है तो मैं उसमें से 3 घटाते जाऊंगा, कब तक, जब तक कि वो 50 के बराबर या उससे छोटा नहीं हो जाता, ओके। अब फिर व्हाइल व्हाइल एन इज लेस देन 50, व्हाइल एन इज लेस देन 50, तब तक मुझे क्या करना होगा कि एन में मैं प्लस इक्वल करते जाऊंगा, एन में मैं प्लस इक्वल करते जाऊंगा क्या, 2, है ना, एन में मैं 2 इक्वल करते जाऊंगा और आंसर को इंक्रीमेंट करते जाऊंगा, ओके। अब लास्ट में इफ, अब एक ही चीज हो सकती है, जब मैं एन में लगातार 2 ऐड करते जा रहा हूं तो या तो मेरा एन जो है 50 तक पहुंच जाएगा या तो एन 51 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर
मेरा जो एन है ये 51 तक पहुंचता है, तब मैं आंसर में 2 ऐड कर दूंगा, है ना। मेरा जो आंसर है वो 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्यों 2 इंक्रीमेंट होगा? क्योंकि ये ऑपरेशन आपको याद है कि अगर 51 हो रहा है तो मुझे एक घटाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा पहले 3 बढ़ा दूंगा और 2 घटा दूंगा, तो एक घटेगा ओवरऑल। तो इसलिए मैं क्या करूंगा यहां आंसर प्लस इक्वल टू, और लास्ट में हम लोग प्रिंट करवा देंगे आंसर, ठीक है। तो रन करके देखते हैं। दो जीरो सोलह पच्चीस तो सेम आंसर आ रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं। ओके करेक्ट आंसर, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो ये तीसरी प्रॉब्लम है, इसका नाम है मैक्सिमाइज स्कोर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज स्कोर। ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि एलिस और बॉब एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है। इस गेम में उनके पास एक एरे है ऑफ एन एलिमेंट्स। अब देखिए गेम कैसा है ये कि सबसे पहले एलिस एक एलिमेंट चुन लेगी, ठीक है, कोई भी इंडेक्स आई का एलिमेंट चुनेगी, और फिर बॉब एक एलिमेंट चुनेगा, ठीक है, सच दैट I माइनस जे इज इक्वल टू वन। आई माइनस जे इक्वल टू वन का क्या मतलब है कि जो एलिमेंट एलिस ने चुना है बॉब उसके बगल वाला ही एलिमेंट चुनेगा, राइट, जस्ट उसके बगल वाला, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। तो बॉब को एक ऐसा एलिमेंट चुनना है जो एलिस के चुने हुए एलिमेंट के जस्ट बगल में हो। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इस गेम का स्कोर जो है वो मॉड ऑफ ए आई माइनस ए जे है, मतलब वो जो दोनों एलिमेंट्स इन दोनों ने चुने उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस। एलिस क्या चाहती है कि जो स्कोर हो, ये वाला जो स्कोर है मेरा, इसकी वैल्यू कम से कम आनी चाहिए, ठीक है, और बॉब चाहता है कि इस स्कोर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। तो अगर इन दोनों ऑप्टिमली खेलते हैं तो इस गेम का स्कोर क्या होगा, ये हमको बताना है, ये सवाल है। ओके तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ आएगा कि क्या करना है। इसका हम लोग एक टेस्ट केस लेते हैं, ठीक है, टेस्ट केस में देखते हैं कि कैसे करना है। जैसे कि ये देखिए, यहां पर नहीं, एक सबसे अच्छा वाला, मतलब ये एक टेस्ट केस लेते हैं, ठीक है। तो ये एरे हमको दी हुई है। अब इस एरे में मैं रैंडमली एक ऐसी कुछ भी कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए एरे एलिस ने इस एलिमेंट को चुना, एलिस ने इस एलिमेंट को चुना, तो अब क्या है, बॉब के पास दो चॉइसेस है। बॉब या तो इसको चुन सकता है या तो इसको चुन सकता है ना। पहले तो हमेशा एलिस ही चुनेगी, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है कि पहले एलिस चुनेगी। एलिस ने क्या चुना, 40 चुना। अब बॉब के पास दो चॉइसेस है, बॉब या तो 10 चुन सकता है या 50 चुन सकता है। अब सवाल यह है कि बॉब को क्या चुनना चाहिए। तो देखिए बॉब का गोल क्या है कि उसका गोल है स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। बॉब स्कोर को मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो और हमारा स्कोर क्या है, दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस है। तो मान लीजिए अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, अगर मैं ऐसे लेता हूं 10 माइनस 40, इसका अगर मैं मॉड लेता हूं तो इसकी वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। और अगर मैं ये 50 के साथ इसका डिफरेंस लेता हूं, 50 माइनस 40, इसके साथ अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ओके तो डेफिनेटली साफ साफ दिख रहा है कि ये 30 बड़ा है, तो बॉब क्या चुनेगा, बॉब ये 10 चुनेगा। बॉब क्या करेगा, बॉब ये 10 चुनेगा। क्यों, क्योंकि यहां से मुझे स्कोर ज्यादा मिल रहा है ना, स्कोर क्या था, ये दोनों का डिफरेंस था, तो यहां से मुझे ज्यादा स्कोर मिल रहा है, तो बॉब क्या चुनेगा, ये 10 चुनेगा। ओके तो आपको अब बॉब का माइंडसेट समझ आ गया होगा कि बॉब कैसे खेल रहा होगा। अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एलिस को देखिए, उन्होंने क्या बोला कि दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं, तो एलिस को यह बात पता है कि बॉब जो है मैक्सिमम वाला ही चुनेगा। लेकिन एलिस का गोल क्या है, एलिस का गोल है कि मेरे को स्कोर मिनिमम रखना है ना, बॉब से उसको फर्क नहीं पड़ता था बॉब की, बॉब कैसे खेलेगा। एलिस का गोल है कि जो फाइनल स्कोर मुझे मिल रहा है वो मिनिमम होना चाहिए। तब एलिस कैसे सोचेगी वो देखिए, ठीक है। तो एलिस क्या करेगी, एलिस हर एक एलिमेंट का देखेगी, ठीक है। सबसे पहले उसने इस एलिमेंट के लिए देखा, तो इस एलिमेंट के लिए देखेगी कि इससे डिफरेंस कितना आ रहा है और इससे डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब उसको पता है कि दोनों में से जिसमें भी ज्यादा डिफरेंस आ रहा होगा बॉब तो पक्का उसी को चुनेगा, है ना, बॉब तो पक्का उसी को चुनेगा। तो हमको क्या करना है कि इन दोनों में से जो मैक्स होगा ये हम हर एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, ठीक है। जैसे ये जो 10 है, ठीक है, ये एक मिनट, ये 10 है, मान लीजिए इस 10 के लिए मेरे पास दो वैल्यूज आ गए, जैसे
इसके इससे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा और 30 आ जाएगा, ठीक है, ये मेरी 10 के लिए आई। और फिर ये 40 के लिए भी कुछ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 40 के लिए मेरा आएगा 30 और 10, फिर ये 50 है, 50 के लिए मेरा क्या आएगा, 40 के साथ 10 आएगा और 30 के साथ 20 आएगा, ओके। और ये 30 के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट है, अच्छा ये मैंने गिना ही नहीं, ये जो -10 है इसके बगल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो सिर्फ इसको ही चुनेंगे, तो यहां सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी 20, वैसे इसके बगल में भी सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो यहां भी सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी 20, ओके। तो यहां से मुझे ये मिला। अब पहले मैं क्या करूंगा कि इसमें का इन दोनों का मैक्स ले लूंगा, इन दोनों का मैक्स क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि बॉब जो होगा इन दोनों में से मैक्सिमम ही चुनने वाला है, तो मैं इन दोनों का पहले मैक्स लेके रख लेता हूं। तो इसका इसका मैक्स क्या आएगा, 30, इसका मैक्स आएगा 30, इसका मैक्स क्या आ रहा है, 20, और वैसे इसका मैक्स, इसका तो एक ही एलिमेंट है तो ऑब्वियसली ये सिर्फ 20 ही रहेगा, और ये भी एक ही एलिमेंट है तो 20 ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज मुझे मिली है इसमें से जहां से मुझे मिनिमम मिल रहा होगा एलिस वैसे चुनेगी, ओके। आपको समझ आया लॉजिक कि क्या किया हमने, पहले बॉब का तो माइंडसेट हमको पहले से पता है कि बॉब मैक्सिमम चुन रहा होगा, लेकिन हमको एलिस को चांस मिला है पहले चुनने का, तो एलिस अब ऐसा चुनेगी कि इनमें से जो हो वो मिनिमम वैल्यू हो। तो यहां मिनिमम क्या दिख रहा है, तो 3 जगह 20 20 मुझे मिल रहा है, तो तीनों में से कोई भी ले लेता हूं, ठीक है, मैं यही ले लेता हूं, इसको ले लिया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा कि एलिस कौन सा इंडेक्स चुनेगी, कहां से मिल रहा था ये, यहां चौथे से मिल रहा था, हाँ, तो एलिस 50 चुनेगी, क्यों, क्योंकि यहां से जो मेरा आंसर आ रहा है वो मिनिमम आ रहा है, ओके। तो यही इसका लॉजिक था, एलिस ऐसे खेलेगी, बॉब ऐसे खेलेगा। तो पहले मैंने बॉब का माइंडसेट आपको बताया कि बॉब कैसे खेल रहा होगा, फिर एलिस का बताया कि एलिस पहले देखेगी कि बॉब के पास जो मैक्स आ रहा है वो कौन सी वैल्यूज है, अब जिस मैक्स में उसको मिनिमम मिल रहा होगा बॉब को, एलिस उसको चुनेगी, ओके। ये था इसके पीछे का लॉजिक, इसको मैं कोड कर देता हूं जल्दी से। तो int t सी एन t, इसको बड़ा कर लेते हैं, while t माइनस माइनस इनपुट ले लेते हैं एरे का, हमें एक मैंने एक एरे बना ली ए। तो अब क्या है कि क्या करता हूं मैं, एक आंसर बना देता हूं, ठीक है, अच्छा आंसर नहीं, एक मैक्स एलिमेंट बना देता हूं, और मैक्स को मैं इनिशियलाइज करा दूंगा इंट मिन से, ओके। और एक मेरा आंसर हो जाएगा, और ये आंसर क्या होगा, इसको भी इसको मैक्स से इनिशियलाइज करवा देता हूँ, मैक्स मैक्स से क्यों इनिशियलाइज करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट में एनिस जो चुन रही है, एलिस को मिनिमम एलिमेंट चुनना है, इसलिए वो मैक्सिमम से मैं इनिशियलाइज करवा दे रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, यहाँ मैंने इनपुट तो लिया ही नहीं, पहले इनपुट ले लेता हूँ, फॉर int i is equals to 0, i is less than n, i plus plus sin a of i, ओके। तो मैं ना एक लूप चला देता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन एन माइनस 1, एन माइनस 1 और आई प्लस प्लस। ये देखिए मैं ना ये लूप 1 से लेकर के एन माइनस 2 तक चला रहा हूं, क्यों, क्योंकि क्या देखा हमने यहां पर, ये जो दो एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, इनके पास एक ही ऑप्शन है, इनके बगल में एक ही एलिमेंट है, तो इन दोनों के लिए मैं क्या करूंगा, इनको मैं लास्ट में रखूंगा, मतलब लास्ट में अलग से इनका जो भी कैलकुलेशन है मैं कर लूंगा, पहले ये जो बीच के सारे एलिमेंट्स है इनके लिए मैं कर देता हूं, ठीक है। तो जो मेरा मैक्स है वो क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ एमएक्स कॉमा मैक्स ऑफ क्या लूंगा मैं, ए ऑफ आई, सॉरी हाँ एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस किसका किसका, ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई प्लस 1, सॉरी प्लस 1, ठीक है, ये एक हुआ, और एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई माइनस 1। ये लाइन आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या कर रहा हूं, कि दोनों का मैंने डिफरेंस ले लिया और उन दोनों में से जो मैक्स है उसको मैं एमएक्स में स्टोर कर रहा हूं, ठीक है, और मेरा जो आंसर होगा वो मिनिमम होगा, कि मिनिमम ऑफ एम एक्स कॉमा आंसर, ओके। तो इससे मैंने आंसर स्टोर कर लिया। अब एक और चीज, मुझे वो दो एलिमेंट फिर से चेक करने पड़ेंगे, राइट, कि
एज केसेस के लिए कि जो राइट मोस्ट एलिमेंट है और जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है उसके लिए मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मिनिमम ऑफ एंसर कॉमा एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ए ऑफ जीरो माइनस ए ऑफ वन, ये एक हो गया। और एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा, मिनिमम ऑफ एंसर कॉमा एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ए ऑफ एन माइनस वन माइनस माइनस ए ऑफ एन माइनस टू। ओके, तो ये हो गया मेरा। और लास्ट में क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे आंसर। तो इसे रन करते हैं। इंट मीन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, अच्छा ठीक है, हमको बिट्स लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेनी चाहिए। आउटपुट आ रहा है 0120 और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट के बिल्कुल बराबर है, तो इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। ओके, यहां पर ये हमको एक रॉन्ग आंसर बता रहा है। अच्छा, यहां पर ये एक हम गलती कर रहे हैं, हमको ये दो बार मैक्स लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये जो मैक्स होगा ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, मतलब कि ये जो मैक्स आ रहा है ये डायरेक्टली हम इसका यूज कर ले रहे हैं इस आंसर में, तो हमको मतलब वो दो बार मैक्स करने लेने का कोई मतलब ही नहीं। तो पहला वाला जो था उसका मतलब कोई मतलब नहीं था, ठीक है, ये वाला सही है, इसको सबमिट करते हैं। ओके, तो इसने टेस्ट केसेस पास कर दिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जिसका नाम है स्ट्रिंग गेम। तो ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि ज्लैटन एंड रेमोस, इन लोग भी एक गेम खेल रहे हैं ऑन अ बाइनरी स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन। बाइनरी स्ट्रिंग, आई होप आपको बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब पता होगा, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो होंगे मतलब सारे कैरेक्टर्स वो जीरो होंगे या वन, जीरो वन जीरो वन ऐसे कुछ भी। ओके, ये क्या बोल रहे हैं, इन अ मूव, इन वन मूव अ प्लेयर विल सिलेक्ट एन इंडेक्स आई सच दैट एस आई डज नॉट इक्वल टू एस आई प्लस वन एंड डिलीट बोथ एस आई एंड एस आई प्लस वन फ्रॉम द स्ट्रिंग एस। नोट दैट n gets reduced by 2 when both characters are deleted. If a player cannot select any index i, he loses the game. Okay, तो एक मिनट में यहां से मैं इसे दिखा देता हूं। तो जैसे कि सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोली कि बाइनरी स्ट्रिंग, तो मैं कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग ले लेता हूं, ऐसे 1 0 1 1 1 0 0 1, ठीक है, तो बाइनरी स्ट्रिंग हमको दी हुई है और दो हमारे हीरो जेड और आर लिख देता हूं, ठीक है, इन दोनों ये गेम खेल रहे हैं। अब ये गेम कैसे खेलना है कि हमको कोई भी इंडेक्स चुनना है, कोई भी इंडेक्स चुनना है, ऐसा इंडेक्स कि वो और उसके आगे वाला एलिमेंट सेम ना हो, ठीक है, एस आई डज नॉट इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब कि वो एलिमेंट और आगे वाला एलिमेंट सेम ना हो, मतलब अगर एक वन है तो आगे वाला जीरो होना चाहिए और अगर एक जीरो है तो आगे वाला वन होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको चुनता हूं, मैं ये वन चुना क्योंकि इसके आगे वाला जीरो है, ठीक है, तो मैंने इसको चुना। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो दोनों एलिमेंट है एस आई और एस आई प्लस वन, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसको मैंने चुना और मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास स्ट्रिंग कितनी बच गई, तो इतना पार्ट तो हट जाएगा, मेरे पास क्या बचा, 1 0 1 1 0 और 1, इतना ही बचा और ये तो डिलीट हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये किसने खेला था, जेड ने खेला था। अब आई आर की बारी, अब R भी वही करेगा, R के लिए भी सेम रूल्स है कि वो ऐसा ही कैरेक्टर चुन सकता है जिसमें वो और आगे के एलिमेंट सेम ना हो। तो मान लीजिए R इसको चुनता है, तो R ने जब इसको चुना तो आगे वाला तो एलिमेंट अलग है तो चुन लिया, तो क्या हो जाएगा, इतना पार्ट डिलीट हो जाएगा, बारी किसकी आ जाएगी, अब ये स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी 1 1 0 1। अब R की बारी भी हो गई, अब वापस किसकी बारी आ गई, Z की बारी आ गई। ओके, अब Z को चुनना है, तो Z को भी ऐसे चुनना है कि सेम ना हो, तो या तो Z क्या कर सकता है, इन दोनों को चुन सकता है, 1 0 को चुन सकता है या 0 1 को चुन सकता है। असल में आप देखोगे तो दोनों से ही
सेम रिजल्ट मिलेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि 0-1 चुने या 1-0 चुने, ठीक है। तो अगर ये 1-0 चुनते हैं तो अब स्ट्रिंग क्या बन गई, 1-1। ओके, जेड ने अपनी बारी खेल ली, अब वापस आर की बारी आई, आर की बारी आई, अब आर को वापस ऐसा एलिमेंट चुनना है, मतलब ऐसा इंडेक्स चुनना है जहां उस इंडेक्स और उसके आगे वाला इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो अलग अलग हो। तो यहां तो जो मेरे पास स्ट्रिंग बची है उसमें तो सिर्फ 1-1 है ना, दोनों इंडेक्स क्या है, सेम ही है। तो अब आर जो है अब कुछ भी चुन नहीं सकता। तो जब कोई प्लेयर, उसके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी कि वो नहीं चुन सकता, तब हमारा आर हार गया। ओके, आर हमारा हार गया, तो जीता कौन फिर, जेड जीता। तो हमको यही प्रिंट करवाना है कि अगर इन दोनों ऐसे खेल रहे हैं तो कौन जीतेगा, अगर इन दोनों ऐसे खेल रहे हैं ये वाला गेम कि डिलीट करते जाना है करते जाना है, तो ये गेम कौन जीतेगा। ओके, इफ दे आर प्लेइंग ऑप्टिमली देन हु विल विन द गेम। ऑलराइट, तो ये प्रॉब्लम थी हमारी, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक मतलब एकदम बेसिक सी दो चार चीजें डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे कि 1-0 और 1-1-0। ओके, तो जैसे देखिए, ठीक है, अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए यहां पर मुझे डिलीट करना है, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, है ना, 0 और 1, इन दोनों 0 और 1 को डिलीट कर सकता हूँ, या मैं इन 0 और 1 को डिलीट कर सकता हूँ, या मैं इस 0 और 1 को डिलीट कर सकता हूँ, या फिर इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैं चारों को ही दिखाता हूँ, चार केसेस बन रहे, मैं चार तरीके से यहां डिलीट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए अगर मैं जो पहला 1-0 डिलीट करता हूं, तो मेरे पास स्ट्रिंग क्या बचेगी, 1-0-1, ये स्ट्रिंग बचेगी, ठीक है। मान लीजिए कि मैं इन दोनों को डिलीट करता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1-0-1, अभी भी 1-0-1 बचेगा, ठीक है। अगर मैं इस 1 और इस 0 को डिलीट करता हूं, तो अभी भी मेरे पास 1-0-1 बचेगा, और फिर आगे भी क्या बचेगा, 1-0-1, ठीक है। तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है कि अगर ऐसे कंसेक्यूटिव है तो मैं कैसे भी डिलीट करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सेम ही चीज मुझे बार बार मिलेगी, है ना। दूसरा एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे 1-0-0-1 है, तो अगर मैं इन दोनों को डिलीट करूं या इन दोनों को डिलीट करूं, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, जैसे इन दोनों को डिलीट कर दिया तो 0-1, ठीक है। अच्छा नहीं, सॉरी, यहां पर थोड़ा सा केस डिफरेंट हो जाएगा, मैं यहां एक एक्स्ट्रा 1 ले लेता हूं, तो अच्छा यहां पर थोड़ा सा केस डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब मेन चीज वही रहेगी कि मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी चीज हमको यह ध्यान रखनी है, जैसे कोई भी स्ट्रिंग हमको दी हुई है 1-0-0-0-1, ऐसे करके कोई स्ट्रिंग, अरे यार ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, कोई स्ट्रिंग हमको जीरो दी हुई है, 1-0-1-1-0-0-0-1-0-1, ठीक है। तो ऐसे कोई स्ट्रिंग मुझे दी हुई है, तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स क्या बन रहे होंगे, कि हम जब डिलीट कर रहे हैं तो 0 और 1 को पेयर में डिलीट कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं 0 और 1 को पेयर में डिलीट कर रहा हूं, तो इस स्ट्रिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर क्या बन रहे होंगे, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 1 की पेयर बन सकती है। तो जवाब है कि जितने भी वंस है मैं काउंट कर लूंगा नंबर ऑफ वंस, और जितने भी जीरोज है मैं काउंट कर लूंगा नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। इन दोनों में से जो मिनिमम मात्रा में प्रेजेंट होगा, मिनिमम क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, उतने ही मेरे पास पेयर्स बन रहे होंगे। कैसे, क्योंकि अगर मैं डिलीट करते जाता हूं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खत्म हो जाएंगे, है ना, जो भी मेरा जीरो है या वन है, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खत्म हो जाएंगे, और जब वो खत्म हो गए तब मैं और पेयर नहीं बना सकता आगे, है ना, मतलब आगे और कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या होगा कि मिनिमम नंबर जो भी होंगे मेरे जीरोज और वन के, उतने पेयर्स मेरे पास बन रहे होंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास जितने भी पेयर बन रहे हैं, तो देखिए दो प्लेयर्स हैं मेरे पास, जेड और आर, जेड और आर है, तो इन दोनों क्या कर रहे होंगे, एक एक करके पेयर्स डिलीट कर रहे होंगे। तो पहली बारी जेड की है, ठीक है, तो पहली बारी जेड की है, तो जेड ने एक पेयर डिलीट कर दी, फिर दूसरी बारी आर की आई, आर ने एक पेयर डिलीट कर दी। अब अगर आर के डिलीट करने के बाद कोई पेयर नहीं बची तो आर जीत जाएगा, है ना, क्योंकि जेड के बाद पास कुछ बचा ही नहीं डिलीट करने के लिए। तो आर के डिलीट करने के बाद अगर कोई पेयर नहीं बची तो आर जीत जाएगा, और अगर जेड के डिलीट करने के बाद कोई पेयर नहीं बची तो जेड जीत जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना है, हम काउंट करेंगे, क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे कि पेयर्स हमारे पास कितनी है, ठीक है, कि ऐसे जो भी हमारे पास पेयर्स है कितनी पेयर्स बन सकती है, और ये जितनी भी पेयर्स बन रही होगी इसका हम मॉड्यूलो ले लेंगे 2 से। ओके, इसका हम लोग मॉड्यूलो ले लेंगे 2 से,
और उससे क्या पता चलेगा कि या तो ये इवन होगा या तो ऑड होगा। तो अगर पेयर्स का जो नंबर है वो ऑड है तो मेरा जेड जीत जाएगा, है ना। पेयर्स का नंबर जो ऑड है तो क्या होगा, जेड जीत जाएगा, और अगर पेयर्स का नंबर इवन है तो आर जीत जाएगा, राइट। तो यही लॉजिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे कि अगर पेयर का नंबर इवन है तो जेड जीत जाएगा और ऑड है तो आर जीत जाएगा, ठीक है। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि जैसे अगर सारे वंस एक साइड हो जाए और सारे जीरोस एक साइड हो जाए तब तो इन दोनों पेयर में नहीं है क्योंकि इन दोनों तो अलग अलग हो गए ना, पेयर्स में तो नहीं दिख रहे। तो देखिए क्या होगा कि जब मैं डिलीट करते जाऊंगा, तो मान लीजिए मैंने इसको डिलीट कर दिया तो ये पार्ट तो हट गया मेरा, तब ये स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, 1 1 1 0 0 0। तो अब ये जो दूसरे वन और जीरो थे अब ये पास में आ गए, ठीक है। तो ऐसा हर केस में होगा कि अगर एक वन और एक वन के पीछे दूसरा वन है तो अगर बगल में जीरो है तो वो कैंसल होने के बाद वो हट जाएगा, तो एक वन तो हट गया तो मैं वो दूसरे वन के जीरो के साथ पेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होगा, हमको क्या करना है, काउंट करना है पेयर्स। अगर वो इवन है तो जेड जीतेगा, नहीं सॉरी, अगर ऑड है तो जेड जीतेगा और इवन है तो आर जीतेगा। यही था इस क्वेश्चन के पीछे का पूरा लॉजिक। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, कहाँ था, यही था ना, हाँ, इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो इंट डी सीन वाइल टी माइनस माइनस, अच्छा ये स्ट्रिंग की लेंथ इनपुट लेनी है क्या, अच्छा ठीक है, हाँ स्ट्रिंग की लेंथ इनपुट लेनी है। इंट एन सीन एन, और मैं स्ट्रिंग एस बना देता हूँ, इसका भी इनपुट ले लेते हैं एस। अब क्या करेंगे कि मैं दो इंटीजर बना देता हूँ, वन वंस और जीरोस, ठीक है। अब एक फॉर लूप चला देंगे हम लोग, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इफ जो मेरी स्ट्रिंग का आयत कैरेक्टर है ये इक्वल टू होता है जीरो के, तो मैं जीरोस का नंबर इंक्रीज कर दूंगा, एल्स क्या करूंगा, मैं वंस का नंबर इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करना था कि पेयर्स देखने थे, तो इंट पेयर्स, कितनी पेयर्स बन रही होगी मेरे पास, मिनिमम ऑफ जो भी जीरोस और वंस, जो भी मिनिमम क्वांटिटी में अवेलेबल है उतनी नंबर ऑफ पेयर्स मेरे पास बन रही होगी, है ना। अब क्या है कि इफ जो नंबर ऑफ पेयर्स है मेरे पास ये ऑड है, सॉरी इवन है, तो कौन जीत जाएगा, रेमोस जीत जाएगा, आर ए एम ओ एस, नहीं क्या नाम था यार, आर ए एम ओ एस बैक स्लैश एन, एल्स अगर ये ऑड है तो जिलेटिन जीत जाएगा, जेड एल ए टी ए एन। एक बार मैं नाम चेक कर लेता हूं, जेड एल ए टी ए एन और आर ए एम ओ एस, ठीक है, हाँ तो नाम तो हमारे सही है। इसको रन करके देखते हैं, ओके तो हमारा जो केस है मतलब टेस्ट केस तो ये पास हो गया, रेमोस रेमोस लेटन रेमोस लेटन, इसको सबमिट कर देते हैं। काफी ज्यादा टाइम ले रहा है ये, मैं एक बार साइड रिफ्रेश करके देखता हूं। फिर से सबमिट करते हैं, ओके तो स्टेटस करेक्ट आंसर, हमारा सॉल्यूशन जो है एक्सेप्ट हो चुका है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कॉन्टेस्ट के सॉल्यूशन पे।